असल में तमाम आज पकड़े से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सरगोधा यूनिवर्सिटी के ऐसे तमाम तलबा तलबा जो कि मेरिट लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाजी फर्स्ट लिस्ट के अंदर किन किन तलबा तलबात का नाम आएगा और किन किन तलबा तलबात का सरगोधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, किन किन तलबा तलबात का एडमिशन नहीं होगा, जो सरगोधा यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग मेरिट है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मेरिट के वाले तलबा तलबात का एडमिशन होगा। अगर आप मुकम्मल तफ़सील जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो करने की जरूरत देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल में जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस मजीद इंफॉर्मेटिव जो आप तक ईजिली पहुँच रहे। ऐसे तमाम तलबा तलबात जिन्होंने सरगोधा यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सेंड किया है और वो अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि आपका जो एग्रीगेट है सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानब से जो आपका मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसके साथ ही तलबा तलबात के एडमिशन बहुत मुश्किल हो रहे हैं, तो बात करते हैं कि आपके जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपका एग्रीगेट क्या होगा और आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपका मेरिट कितना होगा। तो टॉप सब्जेक्ट्स के लिए अमूमन आपका जो मेरिट है सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानब से अगर बात की जाए, जितने भी टॉप सब्जेक्ट्स हैं, फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जुआलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सभी इसके साथ आप बात करते हैं, इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसके साथ और इस तरह के मज़ीद ऐसी आईटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तमाम सब्जेक्ट के लिए जो आपका एग्रीगेट है वो इस वक्त अगर बात की जाए सरगोधा यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल है 85% से नीचे जिन तलबा तलबात का एग्रीगेट है उनका एडमिशन टॉप सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा। इसके ऊपर ऊपर 85% से ऊपर जितने भी तलबा तलबात हैं उनका एडमिशन होगा। इसके साथ ही जनरल सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए, उर्दू है, इस्लामियात है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपका जो एग्रीगेट है वो कभी कभी 60% से भी नीचे चला जाता है। इन तो सब्जेक्ट्स के अंदर तलबा तलबात का ईजिली एडमिशन हो जाता है। तो मज़ीद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानब से नए ऐड किए गए हैं, उस हवाले से अगर बात की जाए, उस हवाले से कुछ कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि सरगोधा यूनिवर्सिटी की जानब से अगर बात की जाए जब स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त आपका जो एग्रीगेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट कम होते हैं तो इस वक्त आपका जो मेरिट है वो भी लो होता है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।